पर हम तो एल्विस के साथ है, वैसे कोई वो नहीं है ज़्यादा। विश यादव ने जो अपने व्यू से किया है ना, अगर उसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती, मतलब आप मार देते पक्का, और एक नहीं दो मारती। पर मैं तो मतलब लाइक हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं था, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए राइट। उसके फैंडम है वो सारे छप रही है, दैट्स ऑल। फिर वॉयलेंस शो करेंगे तो ऑब्वियसली जो उनके फैन, जो उनका फैंडम है इतना बड़ा, तो उस पर भी इन्फ्लुएंस होगा। तो इट्स नॉट, तो चाहिए सही और गलत में जो पहचान करेंगे तो होना चाहिए। और सपोर्ट किया वो सही चीज़ के लिए सपोर्ट किया है राइट। इसी तरीके से पब्लिक बेवकूफ़ तो है नहीं, सिस्टम की बात नहीं है, अरेस्ट भी नहीं, अरेस्ट तो मैं बोल नहीं सकता कि अल्विश यादव अरेस्ट होगा, बट ये मुझे रिश्वत क्यों नहीं ली। गलत तो है किसी को मारना ऐसे जाके, वरना लड़ाइयाँ तो बहुत हो जा रही हैं भाई। ऑनलाइन होती है ना कि ऑनलाइन डिफेम करने के केसेस होते हैं, तो वो डाल दो आप, वो बेटर था, बट मारना ऑप्शन नहीं था। भले ही किसी ने भी किया, अब एल्विश यादव है और क्योंकि उसका इतना बड़ा फैन बेस है तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं छोड़ता फैन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनवर रंगरेज पर। तो दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, आप सभी ने देखी होगी कि एल्विश यादव ने किस तरीके से मैक्सटन को पीटा है। जी हाँ, ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर अभी जमकर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि उनका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या रिएक्शन है, और साथ ही आपको ये भी पता होगा अगर आप जानते होंगे कि मनीषा रानी ने एल्विश यादव को अनफॉलो भी कर दिया है, क्या कुछ उनकी वजह है। आइए फिर चलते हैं। जो मैक्सटन और एल्विश यादव के बीच फाइट हुई है उस बारे में आपको पता है? हाँ, क्या राय है आपकी उस बारे में? एक्चुअली मैं, मेरी राय ये है कि एल्विश यादव ने जो किया वो बेस्ट किया है, और मुझे लगता है कि मैं उसके सपोर्ट में हूँ, और उसे जो करना है ना वो उसने अच्छा करा और करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब किसी को मारना सही है? किसी को मारना सही नहीं है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कि किसी को मारना चाहिए, बट एल्विश यादव ने जो अपने व्यू से किया है ना, अगर उसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती, मतलब आप मार देते पक्का, और एक नहीं दो मारती। जो फ्रेंड ऑन द स्पॉट और मतलब जब हमें ज़रूरत हो तब काम ना है ना, तो उस बंदे को लात मारना ही ठीक रहता है। और फॉलो उसने अनफॉलो कर दिया तो कोई नहीं भाई, और मिलेगी यार फ्रेंड ना, जो बेकार टाइम में, मतलब जो कहते हैं ना जब हमें फ्रेंड की नीड हो उस काम टाइम पे जो याद आए ना, वही बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। क्या लगता है एल्विश अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि लोग तो यही चाह रहे हैं? मैं तो नहीं चाहती कि, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि एल्विश अरेस्ट हो। अभी जो मैक्सटन और एल्विश के बीच फाइट हुई है वो आपने देखी? हाँ जी देखिए। क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? यार सही गलत तो हम लोग डिसाइड करने वाले होते नहीं हैं, बट इन द सेंस कि आजकल एल्विश जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में आ रहा है, ठीक है, आए दिन उसकी फ़ाइट्स हो रही हैं, लोग भी भड़के पड़े हैं उस पर बहुत गंदे वाले, क्योंकि नहीं कर रहे हैं कुछ लाइक जो, एक तो वो कट्टर हिंदू है, ठीक है, कट्टर हिंदू के नाम पर ही उसको इतना ट्रोल किया जाता है, तो इसीलिए लाइक आई कांट से। अभी पिछली भी एक फ़ाइट हुई थी जिसमें उसकी माँ को गाली दी गई थी, एल्विश को गलत बताया जा रहा था, तो वही है इस बार भी। हाँ ये है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, आ रही है वो, लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, बट वो चीज़ है कि मतलब एल्विश अगर उसके बारे में गलत बोल रहा है मुनावर के बारे में, तो मतलब लाइक हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं था, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए राइट। तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो लगता है कि इस हरकत की वजह से एल्विश जो है अपना फैंडम गंवा सकते हैं? वो गवा ही रहा है आफ्टर बिग बॉस, वो गवा ही रहा है, वो गेन नहीं कर रहा, गेन उसने बिग बॉस में जितना था उतना कर लिया, उसके बाद उसके फॉलोअर्स रीच वगैरह बहुत गिरी है। और जो उनकी फ्रेंड है मनीषा रानी, उन्होंने भी उनको अनफॉलो कर दिया, उस पर क्या कहना है? अच्छा ऐसा भी हुआ है, मुझे झलक दिखलाजा का पता था कि फ़ोन वोन नहीं करा है विनिंग में, बट हाँ अनफॉलो कर दिया है, तो टच में नहीं है तो यार क्या ही करेंगे, मतलब फुकरा इंसान से भी उसकी थोड़ी बहुत अनबन हो रही है आजकल, लाइक बीच में ट्वीट एंड ऑल का वो सीन हुआ था, तो आजकल उसकी किसी से नहीं बन रही है एक्सेप्ट फॉर कटारिया। अभी जो मैक्सटन और एल्विश के बीच फाइट हुई है उस बारे में आपको पता है? क्या? हाँ मैं पता है। क्या लग रहा है कौन सही है और कौन गलत? ऑब्वियसली एल्विश गलत है, क्योंकि उसने मारा है, एंड उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का वो भी लग सकता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उसको सीवियरली चोट, वो आई है चोटें उसके सर पे वो सब, तो यस एल्विश नहीं गलत। रोज़ तो सभी करते हैं, लाइक रोज़ को एक फ़न वे में लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मनीषा रानी ने भी उनको अनफॉलो कर दिया, उस बारे में क्या कहना है? अच्छी बात है, बहुत अच्छा करा उसने जो भी करा। क्या लगता है अब उनका कहीं ना कहीं फैंडम कम हो जाएगा? हाँ हाँ, क्योंकि उसके जितने भी उसके फैंडम है वो सारे छप रही है, दैट्स ऑल, क्योंकि उसके दूसरे उसके भी वो फॉलो करते होंगे दोनों को, ऑफकोर्स कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि दोनों को फॉलो करते होंगे, एंड जिन लोगों को पता लगा होगा कि उनको हर्ट तो हुआ होगा कि उनके उसने आइडल ने जिसने भी ऐसे करा है, तो उन्हें बुरा लगा होगा। ये एल्विश यादव और मैक्सटन की फ़ाइट हुई उसके बारे में आपको पता है?
जी हाँ पता है। आपका उस बारे में क्या कहना है, क्या राय है? बेसिकली एल्विश यादव, मुनावर या मनीषा या कोई भी इंसान हो, बिकॉज दे आर लाइक फेमस पीपल और फेमस पर्सनैलिटीज़, तो उनका सोसाइटी पे भी एक इम्पैक्ट जाता है। दे हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। सो इफ अगर एल्विश यादव ऐसे मतलब हॉस्टाइल हो जाएंगे या फिर वॉयलेंस शो करेंगे, तो ऑब्वियसली जो उनके फैन, जो उनका फैंडम है इतना बड़ा, तो उस पर भी इन्फ्लुएंस होगा। तो इट्स नॉट गुड। क्या मे बी आपके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हों, बट आपको ऐसे उन्हें पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक तरीके का ये सिंबल दे रहा है कि आप वॉयलेंस को प्रमोट कर रहे हो। यू मे बी पावरफुल पर्सन, बट यू ऑल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। सो आई थिंक एल्विश यादव ने गलत किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। अभी जैसे एल्विश की जो दोस्त है मनीषा रानी, झलक भी जीत गई है, लेकिन एल्विश की तरफ से उनको कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है, उन्होंने कॉन्ग्रेट्स भी नहीं किया उनको, और साथ ही मनीषा ने अनफॉलो भी कर दिया एल्विश को, उस पर आपका क्या कहना? सो बेसिकली ये मैं मतलब बिग बॉस में उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, जैसे हमने देखी गई, फिर लास्ट में कुछ जाके ख़राब हुआ। तो अगर ये मतलब पर्सनली, तो मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि अगर उसने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, मे बी उसने सोशल मीडिया पे ना किया बट पर्सनली किया हो, और मे बी नहीं भी किया हो। सो ये मनीषा और एल्विश का अपना पर्सनल है, बट एज अ फ्रेंड आई थिंक उसे करना चाहिए था उसे कॉन्ग्रेचुलेट। और सेकेंड थिंग, जो मनीषा ने उसे अनफॉलो किया, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वॉयलेंस ओनली, क्योंकि वो इतना मतलब इतना वॉयलेंस शो कर रहा है और समहाउ अपने फैंडम का मिसयूज़ कर रहा है, तो दैट्स व्हाई। तो जिस तरीके से लोग मांग उठा रहे हैं कि एल्विश को अरेस्ट किया जाए, ट्विटर पर भी काफ़ी ये ट्रेंड कर रहा है, उस पर क्या कहना है? मांग तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, जैसे अब आपको पता है कि एल्विश यादव और मतलब फुकरा इंसान बोथ में जब बिग बॉस के टाइम पे, बिकॉज ऑफ जस्ट फैंडम एल्विश यादव जीते हैं, तो उनके फैंस की एक ऐसी पावर है कि अगर वो अरेस्ट भी हो जाएगा तो वो उसे तुरंत बेल मिल जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि लोगों की डिमांड का कुछ यूज़ होगा, बट स्टिल उसको अरेस्ट करना चाहिए। अभी जो एल्विश यादव और मैक्सटर्न के बीच में जो फाइट हुई है, उस बारे में आपको पता है? हाँ जी पता है। क्या लग रहा है इस फाइट में, कौन गलत दिख रहा है और कौन सही दिख रहा है? ऐसे तो दोनों के साइड से कुछ आया नहीं है, बट जिस तरह से उसने मारा एल्विश यादव ने मैक्सटर्न को, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं गलत था। क्यों? क्योंकि पहले बात करके सुलझाने लिए चाहिए थी। अब जैसे हमको ऐसे दोनों तरफ से आया नहीं, तो हम इतना कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, बट जहाँ तक देखिए, जितना वीडियोस देखा है उस हिसाब से गलत है, पहले बात करके सुलझा लेना चाहिए था। तो क्या लगता है इस हरकत की वजह से एल्विश अब अरेस्ट हो सकते हैं? देखते हैं, न्यूज़ तो आई है कि FIR हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी जो एल्विश यादव और मैक्सटर्न की फाइट हुई है, उस बारे में आपको पता है? हाँ, वीडियो तो देखी है, वायरल तो हो ही रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, एल्विश यादव ने तो गलत ही किया, उस सीन को देखकर तो क्लियर है कि वो अटैक कर रहा है उस पर, अंदर आकर तो गलत ही किया उसने। क्या लगता है कि अब जो एल्विश के जो फैंस हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे अब नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने गलत होना तो चाहिए, सही और गलत में जो पहचान करेंगे तो होना चाहिए, और लोग चाह रहे हैं कि उनको अरेस्ट भी किया जाए, उस बारे में क्या कहना है? ये तो अब हमारी होना चाहिए, एडजस्ट होना ही चाहिए, डिपेंड करता है ना। और अभी एल्विश के बीच जो फाइट हुई है, वो आपको पता है? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो अब पता लग गया है। यस, तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि आप अगर पावरफुल हो, मतलब मेनली अगर आप ज़्यादा पावरफुल हो, तो अगर आपके पास वो पावर एजुकेशन का है, तो वो एक अलग होता है। लाइक मैं ध्रुव राठी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ ऑलरेडी, और ध्रुव राठी वैसे ही उसको खूब एल्विश को ट्रोल करता है। तो अब ये नहीं हो सकता कि अब ध्रुव राठी यहाँ पर आ जाए और उसने अपने फैक्ट्स रखे हैं, उसके अगेंस्ट वो अपने फैक्ट्स रखेगा तो एल्विश अच्छा दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि उसके वॉयलेंट होने से ध्रुव राठी और मतलब गलत या सही साबित हो जाता है, उससे सामने वाला ही गलत साबित होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, कोई अगर आपको ट्रोल कर रहा है, तो उसके 50 रीज़न, अगर आपके पास पूरा का पूरा हरियाणा का इतना बड़ा मतलब पूरा का पूरा उसका पूरा वो है, क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ उसका रैम है, ठीक है, वहाँ पे उसका चलता है, अगर वो सब के सब लोग उसको अगर अच्छे सपोर्ट करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने दलाल सर के साथ भी देखा था, जो सिंघा के साथ हुआ था, वो भी वॉलेंटली वहाँ पर गए, पर पब्लिक ने जो सपोर्ट किया, वो सही चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, राइट। इसी तरीके से पब्लिक बेवकूफ़ तो है नहीं, तो अगर आप वॉयलेंस अगर एक लोग है, तो आपको पक्का है कि अपने कुछ ना कुछ फॉलोअर्स या ये चीज़ गंवाने ही पड़ेंगे, या फिर कुछ लोगों से आपको ट्रोल होना ही पड़ेगा। तो एल्विश को शायद बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कुछ बंदे वॉयलेंस के खिलाफ होते हैं, और अगर आप वॉयलेंस करोगे तो कुछ बंदे होंगे आपके लिए, और अगर आपको लगता है वो सही है, तो आप जाओ यार उसके अकॉर्डिंग, बस दैट्स ऑल। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो एल्विश की जो जनता है, वो अब उनसे हाथ धो बैठेंगे? नहीं 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 नहीं। क्यों? उसका सिस्टम कभी नहीं बैठने वाला। मेरे को ऐसा लगता है कि जो आज का यूथ जनरेशन है फास्टली, मेरे को ऐसा लगता है कि जो पबजी खेल रहे हैं और वो वॉयलेंस की तरफ और खींचे जा रहे हैं, और
जब कोई चीज़ वॉयलेंस दिखती है, मैं जनरली बोलता हूँ, मैं अभी जो भाई कैमरा पकड़े हुए हैं मैं उनके साथ शुरू कर देता हूँ दो मिनट में, यहाँ पे कितने लोग, कोई नहीं है ठीक है, मैं भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, बस दो चार बात ही करनी है इनके साथ और हो जाएगा यहाँ पे। तो वॉयलेंस इज लाइक अब ये की बन गया, अगर वॉयलेंस होगी, गाली होगी, ये सब चीज़ें अगर नहीं चलेगी ना तो ऐसी थोड़ी ना, हमारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ऊपर यार, आप यूट्यूबर, सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है एशिया का, कैरी मिनाटी है, वो क्यों है, ये चीज़ समझो यार, मेन चीज़ यही है। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि जनता देखना चाहती है ये सब, और वो जितना करेगी सिस्टम उतना और ताकतवर होगा, समझ में आ गया, ये है भाई, मेरे को लगता है उसकी ऑडियंस कहीं से उसको छोड़ेगी। तो लगता है कि अब एल्विश ये सब हरकतों के बाद अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ट्विटर पर यही ट्रेंड कर रहा है, लोग यही चाह रहे हैं। यार देखो, वॉयलेंस की वीडियो के अकॉर्डिंग, अगर मैंने इतना पढ़ा नहीं है ना, मैं लॉयर हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेज हो, क्योंकि जो ट्रॉल होता है आप जब फ़ोन पे करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आईपीसी लगते हैं वो उतने हार्श नहीं होते जितने आपके पास सबूत के बाद वो हार्श बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े बहुत उस पर लगेंगे, बट नॉन बेलेबल, वो मतलब निकल जाएगा, वो कैसे भी वो बेल ले ही लेगा। और मनीषा रानी जो कि उनकी दोस्त थी, उन्होंने भी उनको अनफॉलो कर दिया, उस पर क्या कहना है? बहस हो सकती है, दोस्त जो होते हैं वो आपस फॉलो बैक मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो अनफॉलो दिल का गेम नहीं है, वो दिल का गेम नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना बड़ा कुछ मैटर है। हाँ ये चीज़ है कि जो वो मैंने वीडियो देखा बहुत ही हार्श है भाई, पूरे के पूरे ग्रुपिज्म, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उसको वॉयलेंस में कन्वर्ट करना इज़ जस्ट लाइक, तुम्हें प्यार नहीं कर रहे, तुमसे बस डर रहे, तो सिंपल ये है मेरा मानना, बस दैट्स ऑल। अभी जो मैक्सटन और एल्विश के बीच फाइट हुई है उस बारे में आपको पता है? हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा पता है, बताइए क्या हुआ। अच्छा, किसको सपोर्ट करो, क्या लग रहा है कौन सही है इस फाइट में और कौन गलत है? सपोर्ट की बात ही नहीं, जिसके पास पावर है वो खेल रहा है, जिसके पास पावर नहीं वो बैठा है, जिसके पास दम है, जिसके पास बॉडीगार्ड्स हैं वो आके मारेगा, जो बैठा है बेचारा सिंपल बंदा है वो बैठ के बस देखेगा, चाहे वो कॉफ़ी पी रहा हो, चाहे वो चाय पी रहा हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, अब जो बंदे आए शांति से आए, ले दिए दिए, बस खत्म, बात हो गया, यहीं से मुद्दा उठ रही है। तो मतलब जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है, यही हो रहा है आजकल इंडिया में, तो ये हो रहा है, जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंडिया में ये सब हो, जनता हो, आम जनता हो, भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इन पे पैसा बोलता है सब जगह, जहाँ पैसा है, जहाँ पे गाड़ी है, जहाँ पे शोहरत है, जहाँ पे रुतबा है, जहाँ पर बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, लगो लग जाओ पीछे, दो दो तीन खत्म कहानी। तो लगता है कि अरेस्ट हो सकता है एल्विश? अरेस्ट तो नहीं सिस्टम की बात नहीं है, अरेस्ट भी नहीं, अरेस्ट तो मैं बोल नहीं सकता कि एल्विश यादव अरेस्ट होगा, बट ये मुझे पता है कि छूट जाएगा, जो भी होगा, अगर पकड़ा भी जाएगा छूट जाएगा, क्योंकि यार बहुत है लोग, और ऊपर से पूरी हरियाणा साथ है, और हम दिल्ली वाले भी बहुत बंदे बस चिल्लाते रहते हैं सिस्टम है भाई सिस्टम है, बस वही चलता रहता है बस, तो मेरे को लगता नहीं है अरेस्ट होगा, बट हाँ कंट्रोवर्सी शांत हो सकती है आराम से, अगर इसको आराम से बैठ के सुलझाया जाए, अगर क्योंकि ये सुलझाने वाला मैटर है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं एल्विश भाई अपने और ये जो मैक्स्ट्रा भाई हैं वो सुलझाएंगे इजीली चीज़ों को। तो उनकी जो दोस्त है मनीषा रानी, उन्होंने भी उनको अनफॉलो कर दिया, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है अनफॉलो करने की? बोलूँगा फॉलोअर अनफॉलो का चीज़ वो ऐसा है कि एक रात को फॉलो, दूसरी रात को अनफॉलो और फॉलो, अगला दिन एक बंदे ने भाई कॉल किया, भाई क्या है सिस्टम यार क्या कर रखा है, अगला दिन अगले बंदे बोलेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं दो चार दिन रुक जा, शांत होने मोहल्ला मतलब शांत होने इस कॉन्ट्रोवर्सी को, फॉलो कर लूँगे पता नहीं चलेगा पूरी जनता को, ये है। अभी जो मैक्सटन और एल्विश के बीच फाइट हुई है उस बारे में आपको पता है? पता है, आपको पता है? पता है बिल्कुल। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्या लग रहा है कौन सही है कौन गलत है? यार देखो, मतलब अगर ऑनलाइन की बात करें तो आजकल लोग सोशल मीडिया पे लोग रोस्ट करते ही हैं थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से एल्विश का तो गलत स्टेप था, अगर मतलब वो बोलता है ना कि आप जुडिशरी को लेके चलो, तो उसने जुडिशरी क्यों नहीं ली, गलत तो है किसी को मारना ऐसे जाके, वरना लड़ाइयाँ तो बहुत हो जा रही हैं, हर किसी पे मारने का हमारे पे वो नहीं है ना, हक भी नहीं है, और सेकेंडली फिर आप जुडिशल किस लिए सिस्टम इंडिया का, उसको टैकल करने के लिए है, तो उस पर छोड़ो, आप कंप्लेंट कर दो भाई, ऑनलाइन होती है ना कि ऑनलाइन डिफेम करने के केसेस होते हैं, तो वो डाल दो आप, वो बेटर था, बट मारना ऑप्शन नहीं था। तो क्या लग रहा है कि अब एल्विश यादव अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जनता यही चाह रही है? चांस तो बहुत है अरेस्ट होने के, और होना भी चाहिए, क्योंकि गलत करा है उसने, केस तो बनता है उसके ऊपर, बहुत आईपीसी धारा भी लगी है उसके ऊपर अच्छी खास, लेकिन गलती थी उस, गलती दोनों तरफ से थी, मैक्सटन की गलती थी, दो जनों का आपस में अलग मसला चल रहा है, तुम उसमें क्यों घुस रहे हो, किसी के मसले में क्यों घुस रहे हो, तुम फेम लेने के लिए किसी और के मसले में जा रहे हो, तो वो भी गलती है ना, उसे भी तो देखा जाएगा, ऐसे कहीं घुस हो गया, फिर बुला रहे हो आप क्या, आ जाओ मैं यहाँ पे हूँ, तो भाई कोई क्यों आएगा बिन फालतू में, आएगा तो फिर तो पिटेगा, हरियाणा का मसला है, जानते हो आप हरियाणा के लोगों को, HR 26 इज वेल नोन फॉर देयर ट्रेडिशन ऑफ फाइटिंग है। अच्छा, अभी मनीषा रानी ने भी उनको अनफॉलो कर दिया एल्विश यादव को, जबकि बहुत अच्छे दोनों दोस्त थे, उस बारे में क्या कहना है? यार मेरे को तो सब ऑनलाइन वो लगता है, ये ऑनलाइन क्या कहते हैं इसको, मतलब
एक ऑनलाइन ड्रामा होता है ना, अभी कभी अनफॉलो कर दिया है, अभी फॉलो कर लेंगे, कंगना रनौत की कितनी तगड़ी लड़ाई हुई थी, अब उसने चेक लगा दिया, गाना लगाया उसने उसका, सब चलता रहता है। अभी तो उनकी वीडियो आई हुई है, अभी आप रिसेंट एलविश के उसमें जाके देखोगे तो मनीषा और उसके साथ में ही है, उसे प्रमोट कर देता है वो गेम जो होता है, वो कौन सा होता है वो, अच्छा विंजो, हाँ विंजो वगैरह, तो ऐसे गेम को तो वो प्रमोट कर देता है उसमें, दोनों के साथ में थी तो ऐसा कुछ मसला नहीं होगा उनका जहाँ तक मुझे लगता है। कि मैक्सटन और एलविश के बीच में जो फाइट हुई है उस बारे में आपको पता है? हाँ, अभी उनकी जो लड़ाई हुई थी ना उन पर गलत किया, मतलब एलविश ने उनके वहाँ पर जाके मतलब उनके वहाँ पर स्टोर में जाके उनको मारा, वो गलत किया उन्होंने बहुत। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इस हरकत की वजह से एलविश को अब अरेस्ट हो जाना चाहिए? नहीं, अब वो तो उनका पता, मुझे इतना नहीं पता, बट उन्होंने गलत किया, एलविश ने इस चीज़ के लिए बहुत गलत किया लग रहा है। अब एलविश कहीं ना कहीं अपने फैंस गवा देंगे? हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता है। हाँ, और मनीषा रानी ने भी उनको अनफॉलो कर दिया, उस बारे में क्या कहना है? नहीं, इसका मुझे कुछ पता नहीं है अभी। अच्छा, क्या लग रहा है कि एलविश ने जितना जो भी कुछ किया, जितना भी आपने देखा, वो सही था या गलत? नहीं, वो गलत था, उसने गलत किया एलविश ने। मैक्सटन और एलविश के बीच जो फाइट हुई है उस बारे में आपको पता है? हाँ। क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? दोनों ही छपरी है मेरे को दोनों ही नहीं पसंद है, दोनों के कंटेंट मेरे को क्रिंज लगता है। ठीक है, एक बेवजह घूमे जा रहा है राव साहब बन के, और दूसरे का तो कंटेंट मेरे को उस भी पबजी के टाइम से पसंद नहीं है, दो की केडी थी उसकी उस समय भी, तो दोनों ही छपरी है मेरे हिसाब से, तो किसी का स्टैंड नहीं लेना चाहिए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब दोनों अपने फैंस गवा देंगे इस चक्कर में? मेरे को ये नहीं पता उनका फैन है कौन, पहले तो ये समझ नहीं आ रहा फैन बन कैसे रहे उनके। तो क्या लगता है एलविश की इस हरकत पे पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए उनको? करना ही चाहिए, उनको अरेस्ट करना ही चाहिए, एलविश यादव के भगवान तो है नहीं। अगर आप ठीक है, अभी आप मेरे को कुछ पूछ रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लगा मैं चला जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको मारूंगा तो सिंपल बात है, मेरे को पकड़ के डालना चाहिए, पीटना चाहिए मेरे को वापस। उनकी जो दोस्त है मनीषा रानी, उन्होंने भी उनको अनफॉलो कर दिया, इस पर क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो फॉलो ही नहीं करना चाहिए था उसको है क्या उसके पास? और एलविश के बीच जो फाइट हुई है उस बारे में आपको पता है? हाँ जी पता। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? मुझे लगता है कि क्योंकि एलविश यादव ने अगर मारपीट की है और फाइटिंग की है तो ये गलत है, भले ही किसी ने भी की हो, अब एलविश यादव है और क्योंकि उसका इतना बड़ा फ़ैन बेस है तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं छोड़ता फैन पे, तो ये गलत है वायलेंस शो करना। और जिस तरीके से मनीषा रानी ने भी उनको अनफॉलो कर दिया है उस बारे में क्या कहना है आप? ये आई गेस अनफॉलो करना फॉलो करना ये चलता रहता है सेलिब्रिटीज़ में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी क्योंकि ये रीसेंट मामला हुआ है तो क्या पता इस टाइम पर उनका झगड़ा हुआ है और बैक द स्टेज में भी वो पैचअप कर लें और वो भी सामने आए बाद में। तो मतलब एलविश को फिर अरेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, लोग यही चाह रहे हैं? आप अरेस्ट इन द सेंस, अरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से उसे इस तरह का होना चाहिए कि उसे एक सेटबैक लगे, कि उसे ये तो इन्फ्लुएंस हो कि उसे पता लगे कि मेरी गलती कहाँ हुई है, तो ताकि उसके फ़ैन को भी पता लगे कि हाँ इसने अपनी गलती मान ली है, तो अरेस्ट बाद में हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो ठीक है। अभी जो मैक्सटन और एलविश के बीच फाइट हुई है उस बारे में आपको पता है? हाँ जी। क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? अभी मैं किसी को सही तो ऐसे कह नहीं सकता, लेकिन दोनों ही अपने हिंदू भाई हैं, लेकिन अब एलविश यादव को थोड़ा तो घमंड आ गया दिख रहा है, क्योंकि भाई उसने मतलब डायरेक्ट घर के अंदर घुस के मार रहा है लड़का, और वो भी झुंड में, जैसे मैक्सटन ने बताया अपनी वीडियो में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं आगे क्या क्या सपोर्ट देता है। बाकी रैंडम सेना ही बहुत सारे ट्वीट कर रहा है उसके ऊपर, अब देखते हैं बाकी क्या आता है। क्या लगता है इस हरकत की वजह से एलविश यादव अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि लोग यही चाह रहे हैं? हाफ मर्डर का केस लगाया उसके ऊपर, लेकिन अभी जो उसने लगाए थे सेक्शन वो हटा दिए गए हैं, मैक्सटन ने जो सेक्शन लगाए थे वो हटा दिए हैं, अब देखते हैं क्या केस बनाते हैं गुड़गांव पुलिस। बाकी और अपना तो भाई मैक्सटन भाई बिहार से, हम भी बिहार से, तो मैक्सटन भाई का पूरी सपोर्ट है, एलविश भाई भी हिंदू है उसको भी सपोर्ट है, लेकिन भाई वो उसको भी सपोर्ट है, लेकिन वो ज़्यादा भी घमंड में आ गया थोड़ा। मैक्सटन और एलविश यादव की जो फाइट हुई है इस बारे में आपको पता है? जी आज ही पता चला है। हाँ तो क्या आई थिंक ये जो फाइट हुआ है, एक यूट्यूबर था उनके बीच और ये एलविश यादव, इनके बीच आई थिंक फाइट इस कारण से हुआ है कि जो इनका कहना, यूट्यूबर का कहना ये था कि तुम जो मतलब बस एक सोशल मीडिया पे आप बस दिखाने के लिए हिंदूवादी या कुछ जो हिंदू के पक्ष में जो भी बोलते हैं ये बस दिखाने के लिए ऐसा होता है, लेकिन जब यूट्यूबर ने फैक्ट बात बोला कि जो ये जो मुनावर था उनसे जो फिर इनका वो पेचअप हो गया, दिस रीज़न ये ऐसा बोला कि तुम देखने बस दिखाने के लिए हिंदूवादी वाला काम कर रहे हो, दिस रीज़न उनके बीच वो कुछ फाइट
फाइट हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, कौन आपको सही लग रहा है इसमें, कौन गलत लग रहा है? नहीं, किसी भी मतलब किन्हीं को 100% तो सही नहीं बोला जा सकता ना। एक पक्ष का तो मतलब हो नहीं सकता कि इनका गलती ना हो, उनका भी हो, तो आई थिंक दोनों का होना चाहिए ना। अब जो भी मैटर हो, मैं एज ए पब्लिक क्या बोलूँ। अच्छा, मनीषा रानी ने भी उनको अनफॉलो कर दिया, अल्पेश यादव को, उस बारे में क्या कहना? आई थिंक मनीषा रानी का वो हो सकता है मेंटलिटी ऐसा हो कि उनको अनफॉलो किया, उनके हिसाब से जो भी उनको सही लगा या गलत लगा तो वो बोली होगी, उनको अनफॉलो की। और एल्विश के बीच फाइट हुई है, उसको आपने देखा? हाँ देखा। तो क्या राय है आपकी उस बारे में? देखो, राय तो मेरी ये है कि उसको पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी के पास कोई राइट्स नहीं होते कि आप किसी को थप्पड़ मार दो या फिर ऐसा कर दो। अगर एल्विश यादव का इतना फेम है तो अपने फेम का गलत फ़ायदा उठा रहा है वो। तो लगता है ऐसे कि कहीं ना कहीं एल्विश की इस हरकत की वजह से उनका जो फैंडम है वो कम हो जाएगा? देखो, अब तो उसको फेम मिल चुका है तो अब तो कुछ कम होना है नहीं उसका, और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। अगर इस पर कुछ एक्शन वगैरह नहीं लिया गया तो कल को वो और भी कर देगा। तो मतलब अगर फेम मिल जाए और कुछ गलत कर दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हाँ, ऐसे बहुत आपके पास ऑप्शन है, अगर आप देखो तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। मेरे हिसाब से मैक्स ट्रेंड जो है उसको वो विक्टिम है वो, क्योंकि एल्विश यादव ने उसको फालतू में मारा है। मैक्स ट्रेंड ने जैसा अपने बताया था ट्वीट करके वीडियो ट्वीट डाला था बस उसने, और एल्विश यादव ने फालतू में उससे लड़ाई स्टार्ट करी है। एल्विश यादव ने उसको मतलब मारा है जो गलत बात है, और उसको मतलब वर्ड से सुलझानी चाहिए थी बात, जो मैक्स ट्रेंड ने भी अपने रिस्पॉन्स में बोला है। तो क्या लग रहा है कि एल्विश के जो फैंडम है वो कम हो जाएगा इस वजह से? नहीं, वो नहीं होगा। क्यों? मैं बोलना नहीं चाहिए बट एल्विश यादव का फैन बेस मेरे हिसाब से अनएजुकेटेड, मैच्योर नहीं है, तो वो ब्लाइंड फॉलो करते हैं उसको, मतलब जो भी एल्विश यादव करेगा वही उसको वो उसको सपोर्ट करेंगे। मैक्सटन और एल्विश के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में आपको पता है? हाँ हाँ, देखा है मैंने। अच्छा, दोनों की जो फाइट हुई है उस पर आपका क्या कहना है? बस यही है कि अगर उसको फाइट करनी थी तो अच्छे से करो, कि मतलब वो ऐसे ही कर रहा है कि यूट्यूब का और इनका फ़ायदा उठाने की मतलब वो करने की कोशिश कर रहा है, पर हम तो एल्विश के साथ है, वैसे कोई वो नहीं है ज़्यादा। एल्विश के साथ क्यों हो? बस भाई अपना गुड़गांव फरीदाबाद सारे वजीराबाद सारे भाई हैं, तो हम भी गुड़गांव के हैं, वो भी, तो बस ऐसे ही। अच्छा, कोई भाई अगर गलत करे तब भी आप उन्हीं के साथ? नहीं, गलत तो नहीं है कोई, मतलब हम किसी को ऐसे थोड़ी पिटेंगे, मतलब जो भी लड़ाई है तो जेन्युइन बात कोई तो होगी, उसी की वजह से होती है, तो कोई तो बात है। अभी वो पता चल जाएगा एक दो दिन में, एल्विश भी वीडियो डाल देता है फिर। अच्छा, लोग मांग कर रहे हैं कि एल्विश यादव को अरेस्ट किया जाए इस बात को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? ना ना, उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? नहीं कर सकता, बस भाई को मतलब गलती उसकी नहीं है, सिस्टम।